लेकिन कई आप ही के पार्टी के लोग जो हैं वो दबी जुबान से यही कह रहे हैं कि ये तो परिवारवाद है। अमीन खान साहब ने पहले अपने पोते को प्रधान बना दिया, अब अपने बेटे को चुनावी मैदान में लेकर के विधायक बनने की सोच रहे हैं। फिर जो कार्यकर्ता दूसरे जगह पर काम कर रहे हैं उनका क्या होगा? अच्छा, प्रदेश में ये चर्चाएं हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो MRC लेकर आए हैं, महंगाई राहत कैंप पर लेकर आए हैं, इसके तहत जो योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं के तहत जनता को काफी लाभ हुआ है, योजनाओं का लाभ हुआ है। इसी योजनाओं के तहत हम लोग रिपीट कर रहे हैं, क्या शिव में भी ऐसा है? अमीन खान साहब वरिष्ठ विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, कई बार विधायक रहे हैं, लंबे समय से कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। हालांकि कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं, शीर्ष नेता तो हैं, वो भी अमीन खान साहब की बात नहीं टालते हैं। अमीन खान साहब को लेकर ये परसेप्शन है, ये माहौल शिव विधानसभा क्षेत्र में बना हुआ है कि अमीन खान साहब अपने घर में रहते हैं और जनता के काम पर ध्यान नहीं देते हैं। अपने जो आते हैं लोग उनसे बातें करते हैं और जो लोग सरकार से काम होते हैं वही होते हैं। फतेह मोहम्मद भी आपके कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, वो चुनावी मैदान में हैं, नहीं मानते कि चुनौती है कि अमीन खान साहब अपनी बेबाक बातों से जाने जाते हैं, जो होता है हर किसी को मुंह पे कह देते हैं, कई बार अपनी उनकी कड़वी बातों को लेकर कुछ लोग जो हैं वो नाराज भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता आपको नुकसान हो जाएगा साहब की बेबाकी से? तो शेर मोहम्मद जी को चुनावी मैदान में आने के लिए अमीन साहब ने कहा फिर या यहाँ की जनता ने कहा कि आप आइए? नमस्कार, मैं हूँ अशोक शेरा और आप देख रहे हैं नेताजी ऑनलाइन। आज हम आप पहुंचे हैं बाड़मेर जिले की उस विधानसभा क्षेत्र में जिस विधानसभा क्षेत्र को लेकर ऐसा कहा जाता है कि ये विधानसभा क्षेत्र भारत और पाकिस्तान के ठेठ लास्ट इलाके पर है। यहाँ के लोग जो हैं कई समस्याओं को लेकर जूझते हैं। यहाँ के जो विपक्षी लोग हैं वो ये भी कहते हैं कि यहाँ के लोगों को पानी, सड़क, बिजली सहित कई प्रकार की समस्या हैं जिनका आज तक समाधान देश आजाद होने के बाद नहीं हुआ है। और अगर पक्ष की बात करें, जिन नेताजी का हम इंटरव्यू करने वाले हैं उन नेताजी की बात करें तो उनका ऐसा कहना है कि हमारी क्षेत्र में जो जनता रहती है उनके लिए हर संभव हर काम हम लोग कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र में जनता के लिए मूलभूत आवश्यकताएं जो हैं उनकी हम हर समय पूर्ति करते हैं। मेरे साथ हैं शिव विधायक के अमीन खान के बेटे शेर मोहम्मद जी, पेशे से एक शिक्षक थे, हाल ही में इन्होंने VRS लिया है और अब चुनावी मैदान में हैं और अपने बेटे की पैरवी अमीन खान भी कई बार शीर्ष नेताओं के आगे कर चुके हैं। कई प्रकार के सवाल हैं जो हम इनसे पूछेंगे और उनके जवाब इनसे ही जानेंगे। शेर मोहम्मद जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे इस विशेष शो में नेताजी ऑनलाइन में। और मेरा पहला सवाल है, सिर्फ विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो सुदूर इलाकों में जो लोग रहते हैं, लास्ट क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं उनके लेकर विपक्ष के नेताओं का ऐसा कहना है कि यहाँ के लोगों के काम नहीं होते हैं, क्या कहना है आपका सर? जी नहीं, ये बात सही नहीं है। काम तो आप जब इस इलाके के भ्रमण पे रहते हैं तो आप खुद अपनी आंखों से ये देख रहे होंगे कि बड़े स्तर पे जहाँ जहाँ नज़र आप अभी डालोगे सरकार की तरफ से जो विकास कार्य हैं, चाहे सड़क के संबंध में, चाहे पानी के संबंध में, चाहे बिजली के संबंध में, चाहे स्कूलों के संबंध में, हर जगह आपको कहीं ना कहीं विकास कार्य की निशानी मिलेगी। और आज भी निर्माण कार्य चल रहे हैं बड़े पैमाने पर, ये भी आपकी नज़र में आ रहे होंगे। अच्छा, प्रदेश में ये चर्चाएं हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो MRC लेकर आए हैं, महंगाई राहत कैंप पर लेकर आए हैं, इसके तहत जो योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं के तहत जनता को काफी लाभ हुआ है, योजनाओं का लाभ हुआ है, इसी योजनाओं के तहत हम लोग रिपीट कर रहे हैं, क्या शिव में भी ऐसा है? हाँ बिल्कुल, ये सही है। योजनाओं का बड़े स्तर पे और शिव का जो इलाका है खास तौर पे, इसमें मैं समझता हूँ इन योजनाओं का 90% जनता को लाभ मिल रहा है सीधा सीधा, तो उससे बहुत बड़ा फायदा होगा। और हर जगह अशोक गहलोत सरकार का जो है पब्लिक की तरफ से गुणगान किया जा रहा है इस संबंध में, ये सही है। अमीन खान साहब वरिष्ठ विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, कई बार विधायक रहे हैं, लंबे समय से कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। हालांकि कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं, शीर्ष नेता तो हैं, वो भी अमीन खान साहब की बात नहीं टालते हैं। अमीन खान साहब को लेकर ये परसेप्शन है, ये माहौल शिव विधानसभा क्षेत्र में बना हुआ है कि अमीन खान साहब अपने घर में रहते हैं और जनता के काम पर ध्यान नहीं देते हैं। अपने जो आते हैं लोग उनसे बातें करते हैं और जो लोग सरकार से काम होते हैं वही होते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो लोग अमीन साहब को जानते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं, सुबह 5 बजे से वो लोगों से मिलना शुरू कर देते हैं और यहीं इसी ढाणी में रहते हैं। बिल्कुल एकदम सरल और सहज भाव, सुलभ तरीके से लोगों के लिए हमेशा मौजूद रहते हैं। यहाँ कोई किसी तरह का ये प्रोटोकॉल नहीं है कि भाई वहाँ अपॉइंटमेंट लो या फिर आओ, सीधा कोई भी व्यक्ति सीधा आके अमीन साहब से मिल सकता है।
और ये सारी पब्लिक जो इस इलाके की है वो अच्छी तरह से जानती है। काम के मामले में भौगोलिक स्थिति से वो जितना वाकिफ है उतना शायद ही कोई नेता अपने क्षेत्र का वाकिफ होगा। तो हर तरीके से वो जहाँ जहाँ काम की जिस जिस तरीके की ज़रूरत है वो अपने स्तर पर भी करवाते हैं, और जैसी जैसी पब्लिक की और भी मांग आती है उस अनुसार भी वो काम हर संभव करवाते हैं, और ईमानदारी निष्पक्ष तरीके से और बिना भेदभाव के काम करवाते हैं। अच्छा शेरवान जी, मेरे एक जहन में सवाल आ रहा है कि अमीन खान साहब अपनी बेबाक बातों से जाने जाते हैं, जो होता है हर किसी को मुंह पे कह देते हैं, कई बार अपनी उनकी कड़वी बातों को लेकर कुछ लोग जो है वो नाराज भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं आपको नुकसान हो जाएगा साहब की बेबाकी से? जी नहीं, ऐसा नहीं है। साहब को जो जानते हैं इलाके की पब्लिक, अब साल 50 साल से क्षेत्र में है, तो जो लोग जानते हैं वो समझते हैं कि भाई इनकी स्पष्टवादिता और बेबाक और जो चीज़ है साफ साफ कहना, जो गलत है चाहे सगा भाई क्यों नहीं उसके संबंध में कह देते हैं आप गलत हो, जो सही है चाहे भले विरोधी हो उसका ही कह देते हैं ये सही है, तो उसमें जनता में ऐसा कोई बात है नहीं, जनता उनको अच्छी तरह से जानती है और उसका फ़ायदा भी मिलता है कि भाई स्पष्टवादिता है, कम से कम मुगालते हम नहीं रखते कि भाई ऐसा होगा वैसा होगा, जो कहते हैं साफ कहते हैं। तो शेर मोहम्मद जी को चुनावी मैदान में आने के लिए अमीन साहब ने कहा फिर, या यहाँ की जनता ने कहा कि आप आइए? जी नहीं, अमीन साहब ने तो मुझे हमेशा यही कहा कि भाई राजनीति जो है अपन जैसे गरीब लोगों के लिए अब बस की बात नहीं रही, फिर भी इस इलाके के जो लोग थे उन लोगों ने बार बार अमीन साहब को ये कहा कि भाई आपने इतने टाइम सेवा की है, हम लोग आपके साथ चले हैं, तब हम सब की भावना है कि आप शेर मोहम्मद जी को मैदान में लेके आओ, तो उन्होंने फिर भी मना किया। तो आखिर में कार्यकर्ताओं की अलग अलग मीटिंग्स हुई, उसमें कार्यकर्ताओं ने ये दबाव बनाया कि नहीं हम तो इनके पक्ष में हैं, तब जाके उन्होंने कहा कि आपकी रुचि हो तो आप लोगों के साथ लग जाओ, बाकी तो पार्टी निर्णय करेगी जो भी होगा। लेकिन इसी आपकी जो आपके आप कह रहे हैं आप कार्यकर्ताओं ने आपके साथ काम करने वाले या इस क्षेत्र की जनता ने कहा है, लेकिन कई आप ही के पार्टी के लोग जो हैं वो दबी जुबान से यही कह रहे हैं कि ये तो परिवारवाद है, अमीन खान साहब ने पहले अपने पोते को प्रधान बना दिया, अब अपने बेटे को चुनावी मैदान में लेकर के विधायक बनने की सोच रहे हैं, फिर जो कार्यकर्ता दूसरे जगह पर काम कर रहे हैं उनका क्या होगा? जी नहीं, ऐसा नहीं है, ये सब कार्यकर्ता ही, चुनाव देखो लड़ने और लड़ाने का काम पहला पार्टी की तरफ से, दूसरा कार्यकर्ताओं की तरफ से, और तीसरा क्षेत्र की जनता की तरफ से, और ये तीनों चीज़ें जहाँ तक पार्टी का निर्णय है अभी होना है, लेकिन क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का और जनता की तरफ से ये बात थी, अमीन साहब प्रेशर था इस बात का, तब उन्होंने इस बात का यश किया। फतेह मोहम्मद भी आपके कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, वो चुनावी मैदान में हैं, नहीं मानते कि चुनौती है? नहीं नहीं, टिकट तो मांग रहे हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो भी पुराने हमारे साथी हैं, बचपन के हम दोनों साथ चलते आ रहे हैं, और जहाँ जहाँ फतेह मोहम्मद जी को हमारी ज़रूरत थी हमने हर टाइम उनका साथ दिया है, टिकट मांगना सबका हक है और उसमें कोई बुरी बात नहीं है, कोई चुनौती नहीं, साथी है। अच्छा शेर मोहम्मद जी को क्या लगता है कि हमारे क्षेत्र में जो है सिर्फ विधानसभा क्षेत्र में पापा जी ने इतने सारे काम करवा दिए हैं, फिर भी उनसे कहीं ना कहीं ये कमियां रह गई है, वो अगर मैं विधायक बना तो ये मैं पूरी कर लूँगा? अब क्षेत्र में साहब पहले तो एक बड़ी समस्या रहती थी हमेशा पीने के पानी की, उस संबंध में अमीन साहब ने बड़े अच्छे काम करवाए हैं, नर्मदा नहर का जो प्रोजेक्ट है पानी का वो आप समझो कि रामसर और गडरा तहसील के लिए लगभग कंप्लीट की स्थिति पे है, इंदिरा कैनाल का जो पानी का पीने का प्रोजेक्ट है वो सीयू तहसील के लगभग एरिया को कवर कर रहा है, वो भी अपने आखिरी उस चरण में है, सब एक महीने के अंदर शायद वो भी पूरा हो जाएगा। अब मोटा मोटा जो समस्याएं रहेगी मेरे ख्याल से, एक तो शिक्षा के क्षेत्र में इस इलाके में बहुत सारे पद जो हमेशा खाली रहते हैं, स्कूलें तो बहुत सारी सरकार ने इस साल भी जैसे 80 के करीब सीनियर स्कूलें खोल दी और 50 के करीब मिडिल स्कूलें कर्मोन्नत होगी, वो भी बढ़ता रहेगा हमेशा स्कूलों में कर्मोन्नति का काम, लेकिन जो पद हमेशा खाली रहते हैं एक तो इसके संबंध में विशेष प्रयास करने हैं, दूसरा जो बिजली की समस्या इस इलाके में लगातार बनती आ रही, हालांकि 220 केवी का जो ग्रिड स्टेशन है वो सीयू में काम कर रहा है, चालू है, तो उसको जल्दी पूरा करवा के और आगे भी अगर बिजली के संबंध में जो जनता को या किसानों को समस्या रहेगी, ये दो चीज़ें मोटा मोटा हमारे ध्यान में है और इनको लेके विशेष काम करेंगे। अच्छा शेर मोहम्मद जी, अब आप इन मुद्दों को लेकर आपने बताया कि बिजली है या फिर जो शिक्षा की कमी है, शिक्षकों की कमी है, उसको लेकर हम चुनावी मैदान में जाएंगे और आपकी पार्टी के जो हैं
वो लोग भी आप जैसे आपने बताया कि टिकट मांग रहे हैं, लेकिन अब विपक्ष के सामने जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी इस बार कई चेहरे लगातार सामने आ रहे हैं, और इस बार अगर शिव विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो निर्दलीय नाम भी एक दो निकल कर सामने आ रहे हैं। नहीं मानते कि एक बड़ी चुनौती होगी इस बार अगर टिकट पार्टी आपको दे देती है तो फिर बड़ा चैलेंजेबल मामला होगा? देखिए साहब, लोकतंत्र में अब चुनाव लड़ने का तो देखो हर एक का अधिकार है और मौलिक अधिकार भी, आप भी जानते हैं, और सामने वाली पार्टी किसको क्या उम्मीदवार बनाती है ये उनका मामला है, और निर्दलीय या तीसरी पार्टी या चौथे मोर्चे से कोई भी आते हैं तो उनका भी स्वागत है। लोकतंत्र में सभी अपना अपना हक जताएंगे, चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आएंगे, फैसला तो आखिर जनता को करना है, जनता के सामने हम हमारी बात रखेंगे। अमीन साहब के इतने टाइम का जो विकास कार्य है उनको बताएंगे, अशोक गहलोत जी की जो बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिनसे जन कल्याण हुआ है वो भी सामने रखेंगे, ये सारी चीज़ें हैं, फिर आखिर फैसला तो जनता को करना है। अच्छा, अगर अपन शिव विधानसभा क्षेत्र की बात करें या जाति फैक्टर की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि कांग्रेस पार्टी के साथ एससी के जो वोट होते हैं या फिर एससी एसटी के वोट होते हैं या फिर माइनॉरिटी के वोट होते हैं वो काफ़ी कांग्रेस की तरफ उनका झुकाव रहता है, ऐसी एक मान्यता रही है जातीय समीकरण को देखते हुए। अगर पिछले 2018 की बात करें तो यहाँ से उदाराम मेघवाल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से चुनाव लड़े थे, काफ़ी संख्या में वोट भी लेकर आए थे, और इस बार भी शिव विधानसभा क्षेत्र को लेकर यह कहा जा रहा है कि इस बार जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है वो मजबूती से यहाँ पर अपना दावेदार उतारेगी और चुनाव लड़ेगी, तो नहीं लगता कि वो कहीं ना कहीं हमारे कांग्रेस के जो वोट हैं वो इधर उधर हो जाएंगे? नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं है, चुनाव लड़ना मैंने आपको पहले ही निवेदन किया कि हर कोई चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है, लड़ सकता है, बाकी फैसला तो देखो जनता का अधिकतम बहुमत जिस तरफ रहेगा वही रहेगा निर्णायक, उसमें ऐसा नहीं है कि कोई सारे वर्ग एक तरफ चला जाता है, जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी में विश्वास रखते हैं और जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं वो निश्चित रूप से हमारे साथ रहेंगे, ऐसा हम मानते हैं। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है सिरमौर जी, अमीन खान साहब को यहाँ की जनता ही नहीं बल्कि अलग हर जगह पर उनको अदब से उनका नाम लिया जाता है, उनको मान सम्मान करते हैं, उनका लोग आदर करते हैं, और जब भी उनको देखते हैं क्रेज है, अमीन खान साहब आ गए तो अमीन खान साहब की बातों को भी लोग खूब पसंद करते हैं, उसका फायदा मिल रहा है शेर मोहम्मद जी को भी? हाँ, पापा जी ने जो कमाया है उसका विरासत मुझे भी मिल रही है। बिल्कुल, उसका मुझे तो खैर फायदा मिलेगा ही, लेकिन मैं आपको बता दूँ कांग्रेस पार्टी को भी इस इलाके से अमीन साहब का बहुत बड़ा फायदा मिला है इस चीज का, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लिए ये क्षेत्र जो शिव क्षेत्र है शुरू से ये चुनौतीपूर्ण रहा था, लेकिन अमीन साहब के यहाँ आने के बाद से जब से उन्होंने काम किया इस क्षेत्र में तब से कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा फायदा मिला था, उसका नेचुरल मुझे भी फायदा मिले। क्या लगता है टिकट मिल जाएगी, मिलने के बाद जीत जाएंगे? टिकट तो देखो कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व तो है वो तय करेगा और कार्यकर्ताओं की राय से तय करेगा, अब जो भी निर्णय करेगा हम उसके साथ हैं, हमें कोई उसमें दिक्कत नहीं है, जैसा भी निर्देश पार्टी से मिलेगा वैसा काम करेंगे। जनता तो आपके साथ है? जनता तो मैं समझता हूँ मेरे साथ ही है, निश्चित रूप से। शेर मोहम्मद जी का दावा है कि मैं समझता हूँ कि यहाँ की जनता मेरे साथ है, और जिस तरीके से कांग्रेस सरकार ने इन चार पाँच साढ़े चार साल में जो काम किए हैं उसी काम के चलते और अमीन खान साहब की जो काम करने की शैली है, तरीका है, उन तमाम बातों को लेकर जनता हमारे साथ है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि 2023 के विधानसभा चुनाव में शिव की जनता विधायक का ताज किसके सर पर रखती है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।